बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड एंड व्लॉग्स विद अफशीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचें, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज जो है मैं आपके साथ चार मुख्तलिफ किस्म के पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, इफ्तार में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आए बनाते हैं पकौड़े। जी व्यूअर्स, फोर डिफरेंट टाइप के पकोड़े बनाने के लिए जो फर्स्ट पकोड़े हैं वो मिक्स वेजिटेबल के मैं बनाने लगी हूँ। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे वो ये हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने आलू काटा है एक, प्याज हैं दो, और ये हरी मिर्च है, ये मैं इसमें ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान, ये इसमें ऐड करके अब इसके अंदर ये मैंने बंद गोभी है और एक शिमला मिर्च है, इनको भी बारीक काट लिया है, ये भी ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये बहुत ही टेस्टी बहुत मज़ेदार पकोड़े बनते हैं, और डिफरेंट टाइप से बना के बहुत अच्छे लगते हैं। डिफरेंट चटनी के साथ, केचप के साथ अफ्तार में बहुत मज़े के लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मिक्स वेजिटेबल वाले हैं। इसके अलावा फिर मैं एग प्लांट यानी बैंगन के बनाऊंगी, ये बड़ी जो मिर्चें इनको भर के और फिर फ्राई करके, और ये मैं आलू के भी बनाऊंगी। फॉर डिफरेंट टाइप्स के होंगे। सबसे पहले मिक्स जो वेजिटेबल्स हैं इनकी मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये हमने डाल दिए, अब इसमें जो स्पाइस ऐड होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसमें जो स्पाइस मैं डालने लगी हूँ, ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया, कुटी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, और ये पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और ये थोड़ा सा चुटकी सा मैंने सोडा लिया है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट हम इन वेजिटेबल्स में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे हम इसमें ऐड करके, और अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब इसमें हम बेसन ऐड करते हैं। जी बेसन ऐड किया, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा ऐड करके जितनी हमें ज़रूरत होगी हम इसका बैटर बना लेंगे। मैं इनको मिक्स कर लूँ, हाथ से ही कर लें, हाथ धो के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इनको मिक्स कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने तमाम वेजिटेबल्स को बेसन के अंदर एक स्पाइस डाल के मिक्स कर लिया है, ये हमारा बैटर तैयार हो गया। इसको हम आधा घंटे के लिए रख लेते हैं, और अब इसके बाद जो हमारी हरी मिर्चें हैं हम इन काट के इनका मसाला बनाते हैं, इनको अंदर फिलिंग करते हैं, फिर बाद में हम इसको बेसन के अंदर डिप करके फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर्स, दूसरी ये जो हरी मिर्चें हैं इनको हमने इस तरह चाक कर लिया है, छुरी से इस तरह कट करके इनको चाक कर लिया है, क्योंकि हमने इनमें आलू का मसाला भरना है। उसमें मैंने आलू लिया है, इसको मैंने बॉयल करके और इस तरह मैश कर लिया। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है आधी चम्मच है, सूखा धनिया है, चाट मसाला है, सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, और थोड़ी कुटी मिर्च है। ये इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, और इनको अच्छी तरह हम आलू में मसाले को अच्छी तरह मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी मैंने मसाला जो है अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब ये मिर्चें जो हैं ये इस तरह हमने कट लगा लिया है। अब हम इसके अंदर इस तरह इनको खोल के, और ये जो मसाला आलू का है ये हम इसके अंदर इस तरह फिल करेंगे, इस तरह फिल करके और इनको रखते जाएंगे। फिर हम मैं तमाम फिल कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स, तमाम मिर्चों में हमने आलू का मसाला भर के इनको रख दिया है, और जो बैंगन है अब इसको इस तरह गोल गोल हमने काट लिया है, आलू भी इस तरह गोल गोल काट लिए हैं। और अब जो हम इस तरह करेंगे कि जो बैंगन है इनके ऊपर हमने चाट मसाला लेके और थोड़ा इनके ऊपर इस तरह हमने कोट कर देना है, दोनों तरफ से इनको पलट के थोड़ा थोड़ा चाट मसाला तमाम बैंगनों पे लग जाए। इस तरह तमाम को मिक्स करके, और इनको मैं इस तमाम को करके रखती हूँ, और जिस बैटर में हमने इनको फ्राई करना है वो अब बना लेते हैं। मैंने बेसन लिया है, इसमें सबसे पहले जो स्पाइस में डालूंगी ये सफ़ेद ज़ीरा,
और सॉल्ट है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया का पाउडर है, और 1/2 टीस्पून इसमें सोडा है बेकिंग पाउडर। तो इनको मिक्स करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स में डाल के और इनको हम मिक्स करेंगे, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बेटर बना लेंगे, ना बहुत पतला हो और ना ही बहुत थिक हो, नॉर्मल सा हमने बनाना है। मैं इसको मिक्स कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने अच्छी तरह इसको बेटर को मिक्स कर लिया, और ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा इस हो गया है, ना बहुत ही पतला है और ना हद से ज़्यादा थिक है, नॉर्मल सा है। ये इसको मिक्स करके हम रख देते हैं, और अब इस तरह करते हैं चारों किस्म के पकौड़ों को हम फ्राई करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने कढ़ाई में ऑयल रखा है गर्म होने के लिए, ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें चारों किस्म के पकौड़ों को फ्राई करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो हमने ये मिर्चों में आलू का मसाला भर के रखा है, इसको हम एक एक को उठाएंगे, और ये जो बेटर हमने बेसन का तैयार किया था इसमें अच्छी तरह इसको कोट करेंगे, मिर्च को कोट करके, और हम इसी तरह फ्राई करते जाएंगे। ये देखें अच्छी तरह ये बेसन में कोट हो गई है, और ये बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी बनती है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा अफ्तार में, बहुत मज़े की लगती है केचप के साथ, चटनी के साथ, और जो इसके अंदर आलू की फीलिंग है वो इतना टेस्टी इसका फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह सारी बेसन में कोट करके बिस्मिल्लाह हम फ्राई करते जाएंगे। जब दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम निकालते जाएंगे। इसी तरह ये एक तरह के हमारे पकोड़े फ्राई हो जाएंगे, फिर हम दूसरी तरह के फ्राई करेंगे। इसी तरह एक एक करके हम चारों किस्म के पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। चले मैं इनको फ्राई कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें हमारी मिर्चें दोनों तरफ से गोल्डन हो चुकी हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इनको एक एक करके और इस तरह निकाल लेते हैं। बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़ेदार थी हमारी जो है ये मिर्चें तैयार हो गई हैं। मैं इनको निकाल लूँ फिर मैं आपको मिलती। हमने निकाल ली हैं, ये एक तरह के पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम दूसरे फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, ये जो बैंगन थे इनको हमने चाट मसाला दोनों तरफ लगा के रखा हुआ था, इसको भी हम इसी बैटर में डिप करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों तरफ से डिप करके अच्छी तरह और ऑयल में फ्राई करते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी बहुत टेस्टी, इनके अंदर चाट मसाला भी होगा तो अंदर से भी फ्लेवर अच्छा आएगा, और बाहर से भी ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो केचप के साथ चटनी के साथ बहुत मज़े लगते हैं। ज़रूर व्यूअर्स आप ट्राई कीजिएगा अफ्तार में, डेली एक डिफरेंट स्टाइल के पकोड़े बना लें। एक चीज़ खा खा के बंदे का दिल भी थोड़ा वो तंग हो जाता है, बंदा कहता है कि चलो डिफरेंट स्टाइल से हों, तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं, और आप वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी की भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरफ से गोल्डन होंगे तो इनकी मैं साइड चेंज कर दूंगी, दोनों तरफ से लाइट गोल्डन होंगे तो मैं इनको निकाल के और फिर मैं मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े फ्राई करूंगी, और लास्ट में फिर मैं आलू के करूंगी। चलिए मैं इनको चेंज करती हूँ। जी व्यूअर्स, ये हमारे बैंगन के पकोड़े भी दोनों तरफ से हो चुके हैं, मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे बैंगन के पकोड़े भी तैयार हैं, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। ये अब सेकेंड टाइप के हमारे बन गए हैं, इनको मैं निकाल लूँ फिर मैं आपसे। बस ये मिर्चों के और ये बैंगन के भी हमारे दो टाइप के जो हैं पकोड़े तैयार हो चुके हैं, अब हम तीसरी टाइप के फ्राई करते हैं। बस ये हमने मिक्स वेजिटेबल जो हमने उनका मसाला बना के रखा था, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, आलू, तो अब इसके भी हम फ्राई कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। ऑयल में डाल के मिक्स वेजिटेबल के भी हम क्रिस्पी क्रिस्पी से पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। फिर लास्ट में हम आलू के फ्राई कर लेंगे। ये हमारी वेजिटेबल के भी मज़ेदार से पकोड़े जो हैं फ्राई हो चुके हैं, इनको भी अब हम निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाह। और इस
इसके बाद हम जो हमारे आलू के रह गए हैं वो भी उसी मसाले में डिप करके उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और अफ्तार तो पकौड़ों के बगैर वैसे भी अधूरा होता है, जब तक पकोड़े ना हो तो मज़ा ही नहीं आता अफ्तार का। मैं इनको निकाल लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स ये देखें, तीन किस्म के हमारे मिर्चों के, बैंगन के और ये मिक्स वेजिटेबल्स के पकोड़े देखें इतने मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। अब हम आलू के फ्राई करते हैं। इसी तरह व्यूअर्स जो आलू हमने काट काट के रखे हैं गोल गोल, इनको लेंगे और इसी तरह इस बैटर में डिप करके और इनको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, इसी तरह तमाम आलूओं को डिप करके और हम फ्राई कर लेंगे तो ये चौथी किस्म के हमारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे। फिर हम इनको सर्व करते हैं। झटपट बन जाते हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी लगते हैं और अफ्तार के दस्तरखान की तो रौनक है पकोड़े। आप ज़रूर तमाम रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, चारों तरह से बनाइएगा और बताइएगा कि कैसे बने हैं। मैं आलू के भी फ्राई कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो इसी तरह दोनों तरफ से हम आलू के पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे, इस तरह गोल्डन हो जाएंगे जब दोनों तरफ से, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। फिर चारों हम केचप के साथ सर्व करेंगे। अब ये आलू के भी हो गए, इनको मैं निकाल लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमारे आलू के बाकी भी हो गए हैं, ये देखें दोनों तरफ से इतना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, इनको भी हम निकाल लेते हैं और फिर सर्व करते हैं। देखें हमारे चार किस्म के पकोड़े तैयार हो चुके हैं, मिर्चों के, बैंगन के, आलू के और मिक्स वेजिटेबल के। केचप के साथ मैं सर्व कर रही हूँ, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप अफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे बने हैं। अफ्तार में पकोड़े बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ, जो आपको पसंद हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसी बनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।